जयश्री बालाजी की स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। और आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कुंडली की बताने वाले हैं। 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति ग्रह I mean से गुरु ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं। अभी वे धनु राशि में चल रहे हैं और 20 नवंबर 2020 को वे मकर राशि में आ जाएंगे। फिर 6 अप्रैल 2021 तक वह मकर राशि में ही रहेंगे। इनका यह मकर राशि में रहना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों के लिए बुरा भी है। और जिनके लिए बुरा है उनके लिए इस वीडियो में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करने से इन्हें बुरे फलों से इनका बचाव रहेगा। विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन राशि वालों के लिए यह गुरु अच्छे रहेंगे और किन राशि वालों के लिए यह गुरु बुरे रहेंगे या नॉर्मल रहेंगे। अब क्वेश्चन यह उठता है कि जिन राशि वालों के लिए अच्छे रहेंगे उन्हें यह क्या फल अच्छे फल देंगे। तो देखिए, बृहस्पति जो ग्रह है वह 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने गए हैं, अच्छे ग्रह माने गए हैं। ऐसे बृहस्पति को हम प्रणाम करते हैं। गुरु ग्रह जब अच्छे आते हैं तो व्यक्ति में समझदारी बढ़ती है, उसका विवेक बढ़ जाता है, क्योंकि बृहस्पति गुरु ग्रह है जो है विवेक देने वाले हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह समझ देने वाले हैं। तो जब बृहस्पति अच्छे चले तो व्यक्ति में समझदारी रहती है, क्या सही है क्या गलत है, और वह सही निर्णय लेता है कि जिससे सही कर्म होकर उसको सही रिजल्ट मिलते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है। ज्ञान देने वाले गुरु हैं बृहस्पति हैं, विजडम देने वाले बृहस्पति हैं, और गुरु को धन का लाभ का कारक माना गया है। मीन्स आपके लाभ का होना, धन का होना और वह धन स्टोर होना, सेविंग होना, इसका संबंध भी बृहस्पति से है। तो जब गुरु ग्रह अच्छे आते हैं तो धन लाभ होता है और धन स्टोर भी होता है, और घर परिवार के लिए यह अच्छा टाइम होता है। गुरु का संबंध स्टडी से माना गया है। तो गुरु जब अच्छे आते हैं तो विद्या में सफलता मिलती है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा संतान का संबंध गुरु से है, तो जब किसी की राशि से गुरु अच्छे आते हैं तो संतान का सुख मिलता है, और जिनके संतान नहीं हो रही है उनके संतान हो जाती है, और जिनके संतान है उनको संतान से खुशी मिल जाती है। इसके अलावा गुरु का संबंध धर्म कर्म से, साधना से है, तो जब गुरु अच्छे आते हैं तो दान धर्म व्यक्ति करता है तो आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस होती है। अब देखिए, गुरु का नाम बृहस्पति भी है। बृहस्पति मीन्स बृहस्पति, बृहत यानी बड़ा, बृहस्पति बड़ा आदमी। बृहस्पति जब अच्छे आते हैं तो आदमी को बड़ा व्यक्ति बना देते हैं, उसकी बड़े लोगों में गिनती होने लगती है, उच्च प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त होता है। गुरु को सुख का कारक भी कहा गया है, तो एक आंतरिक सुख, आंतरिक शांति उन लोगों में मिलती है जिनको गुरु अच्छा फल देते हैं। तो स्थूल रूप से यही फल है कि गुरु आपकी राशि से अच्छे आएंगे तो यही बुरे, यदि स्थूल रूप से यही फल है कि गुरु आपकी राशि से अच्छे आएंगे तो, और यही बुरे आएंगे तो इससे संबंधित अच्छे फलों में कमी हो जाएगी। इसके अलावा जो ये गुरु हैं अपनी नीच राशि मकर राशि में जा रहे हैं, जो इनकी नीच राशि है, लेकिन उस राशि के स्वामी शनि वहीं उसी राशि में विद्यमान है, तो यह गुरु का नीच भंग हो गया। नीच भंग होने के कारण इस वजह से गुरु के बुरे फल नहीं मिलेंगे। जिन राशि वालों के लिए गुरु अच्छे तो अच्छे ही फल मिलेंगे। अब देखिए, किन राशि वालों के लिए अच्छे हैं और किन राशि वालों के लिए बुरे हैं, यह बताने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बता देती हूँ, जो बहुत ज़रूरी है।
पहली ये कि गुरु जो राशि बदल रहे हैं यह सभी लोगों पर अपना प्रभाव डालेगा, लेकिन जिन लोगों की गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उन लोगों पर इस गुरु की राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ेगा। अच्छा या बुरा जो भी होगा वह ज़्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा कि जिनकी गुरु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है। दूसरी बात यह इम्पोर्टेंट है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु बलवान है तो अच्छे फल देने वाली स्थिति में है, और गोचर में है यह जो गुरु का राशि परिवर्तन है यह भी यदि आपकी राशि के अच्छे फल देने वाला हुआ तो आपको बहुत अधिक अच्छे फल मिलेंगे, और यदि यह आपकी राशि में बुरे फल देने वाला हुआ तो विशेष बुरे फल नहीं मिलेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु निर्बल है या बुरी स्थिति में है, बुरी कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में यह गुरु आपकी राशि से अच्छे आकर के भी विशेष फल नहीं दे पाएंगे, और आपकी राशि से बुरे आ गए हैं तो विशेष बुरे फल मिलेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह ग्रह परिवर्तन केवल आपकी राशि से ही नहीं देखना चाहिए, इसे जन्म कुंडली के साथ मिलाकर देखने से एकदम सही फल का पता चलता है। यह आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बताया जा रहा है। अब देखिए, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि किसी की जन्म राशि से दूसरे स्थान में, पाँचवें स्थान में, सातवें स्थान में, नौवें स्थान में या ग्यारहवें स्थान में गुरु चले तो वह बहुत अच्छे फल देते हैं। कुछ स्थान ऐसे भी हैं बताए गए हैं जहां पर कोई अन्य ग्रह हो तो गुरु के अच्छे फलों में वेद लग जाता है। वेद के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जिन राशियों के लिए अच्छा रहेगा वो राशियां सुनिए, धनु राशि, कन्या राशि, वृष राशि, कर्क राशि और मीन राशि। इन राशियों का, इस गुरु का मकर राशि में गोचर का फल बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि जिसकी जन्म राशि से गुरु गोचर में चौथा, आठवां या बारहवां जाए उनके लिए गुरु बुरे फल देता है, इसे विशेष बुरा माना गया है। तो तुला राशि वालों के लिए यह गुरु चौथा रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, और मिथुन के लिए आठवां रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, और कुंभ राशि वालों के लिए यह गुरु बारहवां रहेगा तो यह गुरु अच्छा नहीं रहेगा, और बाकी जो राशियां हैं उनके लिए अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन विशेष बुरा भी नहीं बताया गया है। तो उपाय क्या है, तो चलिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। तो देखिए, बृहस्पति का संबंध है वो ब्राह्मणों से है, गुरुजनों से है, गायों से है, तो बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को, पंडितों को, गुरुजनों को, गायों को दान दक्षिणा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बृहस्पति का संबंध है वो पीले रंग से है, तो पीले रंग की वस्तुएं उन्हें भेंट करें, पीले रंग के वस्त्र भी दे सकते हैं, पीली मिठाई भी दे सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप स्वर्ण भी दे सकते हैं, ये दान करने चाहिए। गायों को चारा डालें, गौशाला में दान दें, गायों को गुड़ खिलाएं, गुड़ के साथ चने की दाल खिलाएं जो पीले रंग की होती है। गुरु का संबंध विद्या से है, तो जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीब हैं, तो उन्हें किताबें बांटें, उनकी सहायता करें, यह भी बृहस्पति के लिए अच्छा उपाय है। इसके अलावा बृहस्पति का एक छोटा सा तांत्रिक मंत्र बताती हूँ। इस मंत्र का नित्य एक माला जप करने से भी गुरु के बुरे फल दूर हो जाते हैं और अच्छे फल मिलते हैं। वह मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, तो इससे भी अच्छे फल मिलेंगे। और अंत में सभी के लिए एक प्रार्थना करूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, कोई भी इस संसार में दुखी न हो, सबके जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं हों, प्रभु से यही प्रार्थना है। थैंक यू।